हे गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम राइड रिव्यू कर रहे हैं हीरो एक्सट्रीम 160 आर का। इससे पहले मैंने इसका वॉकर ऑन रिव्यू बनाया था, तो आपकी काफ़ी डिमांड आई थी कि इसका राइड रिव्यू बनाओ, तो आज फाइनली लेके आ गया हूँ। बहुत लेट हो गया बट अब आ ही गया है, कोई दिक्कत नहीं है। शोरूम की बात करूँ तो मैं यहाँ पे आया हूँ हीरो के शोरूम धनश्री हीरो, ये नोएडा सेक्टर 63 में है। तो अगर आपको ये लेनी हो बाइक तो यहाँ पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो थोड़ी सी मैं इसकी डिटेलिंग की बात कर लेता हूँ, इसके लुक्स दिखा देता हूँ, फिर बाकी बातें इसको बाइक चलाते वक्त करूँगा। तो फ्रंट में बात करें तो फ्रंट में आपको LED हेडलैम्प देखने में मिलता है और बहुत ही सुंदर देखने में लगता है। यहाँ पे ये DRL है और ये लो बीम और हाई बीम का सेटअप देखने में मिलेगा। यहाँ पे आपको LED इंडिकेटर मिलते हैं, ये जो इंडिकेटर मिलते हैं इसमें आपको हैजर्ड लाइट का सिस्टम भी मिलता है। ये रहा इसका स्विच, तो आप देख सकते हैं हैजर्ड लाइट का इसमें सिस्टम है। यहाँ पे हीरो का आपको लोगो मिल जाएगा और ये थोड़ा सा अलग फिनिश देखने में मिलेगा। तो ऑल इन ऑल जो इसका हेडलैम्प है लुक बहुत ही अच्छा है। सस्पेंशन की बात करें आपको 37mm के टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिल जाएंगे। और टायर साइज़ की बात करूं तो आपको 100x80 का टायर साइज़ मिलेगा और व्हील है 17 इंच का। डिस्क आपको इसमें 276mm का मिलेगा, पीछे आपको 230mm का मिलता है या फिर 240 का, कंफर्म नहीं है, मैं लिख दूंगा। बाकी इसमें सिंगल चैनल ABS ही मिलता है आपको, डबल चैनल ABS का ऑप्शन नहीं है। यहाँ पे आपको रिफ्लेक्टर मिलेंगे और देख सकते हैं ABS की स्टिकरिंग मिल जाएगी एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम की। साइड व्यू की बात करें तो काफ़ी ही अच्छी देखने में लग रही है, अलग ही इसका स्टांस है। यहाँ पे हीरो एक्सट्रीम की स्टिकरिंग मिल जाएगी, आपको परफॉर्मेंस सफाई का स्टिकर मिल जाएगा। सीट आपको यहाँ पे सिंगल सीट मिलेगी, पीछे वाली आपको उठी हुई मिलेगी। कुशनिंग की बात करेंगे अभी चलाते वक्त, बट कुशनिंग मुझे ठीक लग रही है, इसमें कम्फर्टेबल है। बाकी इसमें आपको 12 लीटर का टैंक मिलता है और पीछे भी आपको 17 इंच का ही मिलता है अलॉय, और 130 का ये सेक्शन है टायर का। और यहाँ पे डिस्क आपको मिलता है, ये स्विंग आर्म देख सकते हैं। एग्जॉस्ट मैं आपको अभी सुनाऊंगा, एग्जॉस्ट की साउंड भी इसकी ठीक है। पीछे भी आपको LED टेल लाइट मिलती है जिसे स्मोक्ड आउट कर दिया है, देखने में काफ़ी ही बढ़िया लग रही है। LED लाइट्स मिलती है आपको। यहाँ पे आपको टायर हगर मिलता है, इसमें हटा रखा है, और यहाँ पे ऐसा कुछ आपको मडगार्ड मिलता है। तो मैंने इसमें काफ़ी बात कर लिया, बाइक को चला के देखते हैं। इसे मैं कंपेयर भी करूँगा TVS Apache से, क्योंकि डायरेक्ट उसी का कॉम्पिटिशन है। तो यहाँ पे आपको फ्रंट में देख सकते हैं LCD डिस्प्ले मिल जाएगा। यहाँ पे इसमें आपको गियर पोजीशनिंग इंडिकेटर नहीं मिलता, 2 ट्रिप मीटर मिल जाते हैं, देख सकते हैं। टाइम मिल जाता है, फ्यूल का, स्पीडोमीटर, टैकोमीटर मिल जाएगा इसमें। यहाँ पे सारी वार्निंग लाइट मिल जाएगी ABS के, यहाँ पे हैजर्ड चल रहा है, यहाँ पे सारे स्विचेस मिल जाएंगे। क्वालिटी मुझे इनकी ठीक लग रही है, ऑन उतना लाउड नहीं है इसमें। और यहाँ पे आपको स्टार्ट का बटन मिल जाएगा, तो मतलब इंटीग्रेटेड ही है इसमें। स्टार्ट हो गई, तो इंजन की बात करूं तो इसमें आपको 163 cc का इंजन मिलता है जो कि पावर प्रोड्यूस करता है 15 BHP एंड 14 Nm ऑफ टॉर्क। अगर मैं कंपेयर करूं इसके कंपटीशन से तो इसके कंपटीशन में 16 BHP की पावर मिलती है। मैं TVS Apache 4V की बात कर रहा हूँ तो 1 PS उसमें पावर ज़्यादा मिलती है। बट इस इंजन की बात करूँ, काफ़ी रिफाइंड इंजन, बहुत ही ज़्यादा रिफाइंड इंजन मुझे लग रहा है यार। और पावर भी अच्छी खासी मिल रही है इसमें। इसका स्पीडोमीटर बंद कर रखा है तो इसका 0-60 हम नहीं कर सकते, डेमो बाइक है, स्पीडोमीटर बंद करना पड़ता है, आपको पता ही होगा। हैंडल बार की बात करूँ तो इसमें आपको सिंगल पीस हैंडल बार मिलता है, काफ़ी कम्फर्टेबल ही हैंडल बार, बिल्कुल अपराइट पोजिशन है। मैं बस थोड़ा सा आगे लीन होकर बैठा हूँ, हाथ मेरे थोड़े ऊपर हैं और फुट पैग्स भी हल्के से पीछे हैं। बहुत ही कंफर्टेबल है, सिटिंग पोजीशन है, मुझे सही लगी। सीट हाइट इसमें आपको 790 की मिल जाती है, 790 mm, तो शॉर्ट राइडर को भी दिक्कत नहीं होगी। 790 ओके होता है, मतलब ठीक है, 5'2" 5'3" वाले भी आराम से बैठ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे तो पूरे पैड टच हो रहे हैं, 5'8" मेरी हाइट है। बाकी इसमें आपको गियर पोजीशनिंग इंडिकेटर नहीं मिलता, वैसे इसके कॉम्पिटिशन में भी नहीं मिलता वो चीज़, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। माइलेज की बात करूँ इस इंजन से तो मैंने देखा है कि 48 का कुछ माइलेज इसमें से निकल जाता है, बाकी आप लेंगे तो आपको पता चलेगा या फिर कोई ओनरशिप रिव्यू आएगा तो उसमें आपको पता चल सकता है। बट अभी मेरे हिसाब से 48 KMPL का इसमें माइलेज मिल जाएगा, तो ये बहुत बढ़िया चीज़ है। ब्रेक्स की बात कर लें तो फ्रंट में जैसे बताया 276mm का ब्रेक मिलता है, और तो पहले आगे वाले ब्रेक की देख लेते हैं। तो आगे का ब्रेक काफ़ी बढ़िया वर्क कर रहा है, पीछे का ब्रेक भी देख लेते हैं। तो पीछे जैसे मैंने बताया ABS नहीं मिलता, तो पीछे का ब्रेक भी सही काम कर रहा है। ये
फ्यूल टैंक इसमें आपको 12 लीटर का मिलता है। और ये जो बाइक है बड़ी हल्की है, बहुत ही लाइट वेट है, 140 इसका केजी वेट है, तो मतलब पावर टू वेट रेशियो इसका बढ़िया निकल जाता है, मतलब बहुत ही लाइट वेट हो जाती है बाइक। 5 स्पीड इसमें आपको गियर बॉक्स मिलता है। तो एक बार इसका एक्सेलेरेशन का टेस्ट करेंगे, देखते हैं कैसी पावर मिलती है। और बता दूं मैं अकेला नहीं बैठा, पीछे हमारे एक भाई साहब बैठे हुए हैं शोरूम वाले। एक बार एक्सेलेरेशन टेस्ट कर लेते हैं इसका। 1 2 3 स्टार्ट। तो पहले थोड़ा सा लैग लिया इसने, थर्मो लैग लिया सर, उसके बाद जो चल रही है वो काफी बढ़िया चल रही है। इसकी पावर मैं कहूँगा बहुत ही लीनियर है, ऐसा कुछ नहीं है कि एकदम से पंच देती है बहुत तगड़ा, बट बहुत ही लीनियर है, तो जैसे सिटी राइडिंग में काफ़ी कंफर्टेबल बन जाती है। सस्पेंशन जैसे बताऊँ तो इसका सस्पेंशन भी काफ़ी सॉफ्ट है, तो ये प्रॉपर मतलब सिटी राइडिंग के लिए ना बहुत ही कम्फर्टेबल बाइक हो जाती है, मतलब ट्रैफिक में जैसे निकालेंगे, क्योंकि ये लाइट वेट है, पावर आपको लीनियर मिलती है, सस्पेंशन सॉफ्ट है, तो अगर आप सिटी में चलाएंगे तो आपको बहुत ही कम्फर्टेबल होगा और बहुत ही मज़ा आएगा। बाकी हाईवेज पे भी पावर मुझे जैसा लग रहा है, पावर जैसे इसकी है तो हाईवेज पे भी ठीक ही लगेगा, आपको इतना कोई परेशानी होगी नहीं। और मैं बात करूँ प्राइस की, तो प्राइस के हिसाब से जो है ये बाइक में हमें काफ़ी कुछ मिल रहा है, क्योंकि जैसे मैंने बताया आपको आगे पीछे हर जगह ऊपर नीचे LED लाइट मिलती है और LCD डिस्प्ले मिल जाता है, हीरो का भरोसा मिल जाता है। तो उस हिसाब से जो इसका प्राइस है, प्राइस पड़ेगा आपको 1,06,200 के अराउंड सिंगल डिस्क का, और डबल डिस्क का आपको मिलेगा 1,09,200, मतलब 3,000 का फ़र्क है सिंगल डिस्क और डबल डिस्क में। डबल डिस्क में हालांकि आपको सिर्फ सिंगल चैनल ABS ही मिलता है, जो इसकी फेयरिंग वाली आती है 200R उसमें भी आपको नहीं मिलता डबल चैनल ABS, बट कोई नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, कम्फर्टेबल बहुत है बाइक चलाने में, मुझे काफ़ी कम्फर्टेबल लगी। तो यह मेरे हिसाब से तो काफ़ी बढ़िया ये बाइक है, काफ़ी कंफर्टेबल चलने में है, कोई दिक्कत नहीं है। प्राइस मैंने बताई थी, एक्स शोरूम बताया, वैसे ऑन रोड की बात करो तो 1,30,000 के अराउंड पड़ेगी, बाकी शोरूम पे कॉल कर लेना, आप पूछ सकते हो क्या ऑन रोड प्राइस होगा इसका। कॉर्नर्स पे इतना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, क्योंकि सॉफ्ट सस्पेंशन और फ्रंट में आपको टेलीस्कोपिक ही मिलते हैं, USD रहते तो सही रहता। बाकी बाइक बहुत बेहतरीन है, चलने में बहुत मज़ा आ रहा है, चलाने में फ़न है इस बाइक को। बस आपको एक बार एग्जॉस्ट के साउंड सुनाता हूँ, फिर इस वीडियो को एंड करते हैं। तो एग्जॉस्ट के साउंड सुन लेते हैं। तो बहुत ही मतलब रिफाइंड टाइप का इसमें आपको एग्जॉस्ट का साउंड मिलेगा। बाकी आप बताओ आपको कैसी लगी ये बाइक, बढ़िया लगी होगी क्योंकि आप बहुत डिमांड कर रहे थे इस बाइक की, तो फाइनली हम लेके आ गए हैं। एंड इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, अगर आप वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।